हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल तनुषी एंड फैमिली। माय नेम इज शिवानी और आज है आपके सामने ये भरवा तोरई जिसकी रेसिपी मैं आपको बताने वाली हूँ। तो लाइक कर दीजिए, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना कैसी लगी, शेयर करना और सब्सक्राइब भी कर लीजिए चैनल को और बेल आइकन को भी जरूर हिट कर देना ताकि मेरे वीडियोज की आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। यहाँ पे देखिये, मैंने तोरई को छील के काट के रख लिया है। कुछ इस तरह से काटना है, एक साइड से जुड़ा रखेंगे और एक साइड से कट लगाएंगे। वैसे मैंने एक तोरई यहाँ पे निकाल के रखी हुई है छील के, ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि कैसे कट करना है, ताकि आपको से समझ आ जाए। कुछ मसाले यहाँ पे मैंने रखे हुए हैं जो हम यूज करेंगे इस रेसिपी में, जो है जीरा और है लाल मिर्ची का पाउडर, हल्दी ली है, किचन किंग मसाला जो कि मैं हर रेसिपी में यूज करती ही हूँ, नमक है, धनिया पाउडर है, गरम मसाला है और हींग है। तो ये मसाले उसमें कुछ लगेंगे। अब मैं आपको कट करके दिखा देती हूँ ये तोरई कैसे कट की है मैंने। ये देखिए, छील लिया है पहले मैंने, इसे पील कर ली है, आगे पीछे से छोटे छोटे टुकड़े इसके निकाल दिए हैं जो एक्स्ट्रा होते हैं, या बीच में मैंने एक कट लगाया है। और इसके बाद जिस साइज की आपको इसके पीसेस चाहिए उस साइज में आप इसे कट कर लीजिए, जितना लंबा आपको रखना है। तो कुछ इस तरह से ये हमने तोरई कट कर ली है। इसके बाद हम बनाएंगे मसाला, और मसाले का जो एक घोल बना के, मिक्सचर बना के हम रखेंगे, वो हम इसमें अंदर जो है फिल करेंगे। तो ये यहाँ पे मैंने हींग और जीरा साइड कर दिया है क्योंकि ये हम बाद में यूज करेंगे। फिलहाल जो मसाले का मिक्सचर बनाएंगे हम, उसमें यूज करने वाले हैं ये धनिया पाउडर मैंने लिया है करीब 1.5 से 2 चम्मच के आसपास। आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से चीजें कम ज्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने आधा किलो ली थी ये तोरई और इसके हिसाब से मैं यहाँ पे ये बना रही हूँ। बाकी ये मैंने बाकी मसाले 1-1 चम्मच के आसपास लिए हैं। धनिया थोड़ा ज्यादा लगता है और लाल मिर्ची और गर्म मसाला आधी आधी चम्मच लिया है क्योंकि मिर्ची थोड़ी कम ही रख रही हूँ, बच्चा है मेरे घर में। आप अपने हिसाब से, अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज्यादा मसाले कर सकते हैं और क्वांटिटी के हिसाब से भी, और नमक अपने स्वाद के हिसाब से आप इसमें डाल लीजिए। सारे मसाले को मिक्स कर लीजिए और इसमें धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा पानी हम ऐड करेंगे। पानी मिक्स करके हम इसका एक घोल तैयार कर लेंगे जिसे हम तोरई का जो हमने कट लगाया है उसके अंदर फिल करेंगे। अगर आपका बाय चांस मसाला बच जाता है तो आप उसको ऊपर से तोरई में भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिमिटेड मसाला ही बनाया था, मेरा एक्स्ट्रा नहीं बचा था, मगर अगर आपका बच जाए तो आप इसे तोरई के ऊपर भी एक्स्ट्रा डाल सकते हैं। ये देखिए, ये कुछ इस तरह से आपको मसाला बनाना है, ना बहुत ज्यादा ये गाढ़ा है ना बहुत ज्यादा पतला है। और हम एक एक करके तोरई के जो ये हमने टुकड़े किए हैं इसमें हम ये फिल करेंगे। मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरह से आपको ये फिल करना है। फ्रेंड्स, अगर मेरे पुराने रेसिपी वीडियोस आपको देखने हैं तो मेरी रेसिपी की एक प्लेलिस्ट है, आप वहां जाके चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के एंड में दे दूंगी। आप वहां रेसिपी में क्लिक करके मेरे पुराने रेसिपी वीडियोस जरूर देखिएगा। इसके साथ ही मैं शेयर करती रहती हूँ स्किन केयर, मेकअप, हेयर केयर, मोटिवेशनल वीडियोस और वुमेन्स के हेल्थ एंड हाइजीनिक से रिलेटेड वीडियोस भी। तो सब कुछ आपको मेरी अलग अलग प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो आप मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं और चैनल पे बाकी वीडियोस तो आपको देखने को मिल ही जाएंगे। इसके साथ ही बहुत जरूरी है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरा कोई भी वीडियोस आए तो आपको पता चल जाए। नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाना ताकि बेल के दबाने से आपको मेरे चैनल के नोटिफिकेशन आ जाएगा, ताकि आप जो भी नया वीडियो है उसे जाके जरूर देख पाए। तो देखिए, कुछ इस तरह से हमने फिल कर लिया है ये तोरई को। इसी तरह से ये देखिए, मैंने बाकी सारे फिल कर लिए, बिल्कुल भी मसाला नहीं बचा, बहुत थोड़ा सा बचा था। इस तरह से मैंने ये ऊपर डाल दिया है। अगर आपका ज्यादा बच जाए तो आप इसमें ऊपर से डाल सकते हैं। पैन में तेल डालकर मैंने गरम होने के लिए रख दिया है। तेल ना आपको बहुत ज्यादा लेना है ना बहुत कम लेना है। कम लेंगे तो हो सकता है जो तोरई है वो इसमें नीचे चिपक जाए तली में, और ज्यादा ले लेंगे तो वो थाली में अलग से ही तेल तेल दिखेगा, ऑयली बहुत ज्यादा हो जाएगी जो कि अच्छी नहीं लगेगी। और तेल जब गर्म हो जाए तब हम इसमें डालेंगे जीरा का और हींग का। हींग और जीरा जब तड़कने लगेगा तब हम इसमें अपनी जो तोरई है वो ऐड कर देंगे।
तोरई ऐड करने के बाद इसे मैंने अच्छा सा एक मिक्स दे दिया है और इसे अब ढककर हम पकाएंगे। करीब 10 से 15 मिनट में ये हमारी टोटल टाइम लगता है इसे पकने का, लेकिन बीच बीच में आपको इसे पैन को ओपन करके इसे चलाते रहना है ताकि ये नीचे लगे ना, क्योंकि हम इसमें बिल्कुल भी पानी का यूज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि तोरई खुद से भी पानी छोड़ती है। इसके अलावा हमने इसमें मसाले में जो थोड़ा बहुत पानी यूज किया था वो इसमें है और तेल तो यूज हमने किया ही है, तो इन्हीं सब चीजों से ये पकेगा, इसमें हमें कोई एक्स्ट्रा पानी यूज नहीं करना है। और करीब देखिए 4 से 5 मिनट बाद मैंने इसे खोल के देखा है, इसे हल्का सा चला दिया है, हल्की हल्की सॉफ्ट होने लगी है तो नहीं, लेकिन अभी पूरी तरह से पकी नहीं है। चलाने के बाद हम फिर से इसे ढक के रख देंगे और इसे फिर से पकाएंगे करीब 5 से 6 मिनट और, और बीच बीच में आपको इसे चला चला के देखते रहना है। अगर इसको पक जाएगी उसकी पहचान ये है कि ये सॉफ्ट होने लग जाती है। साथ ही आप अपनी करछी से इस पे हल्का सा प्रेशर देके देख लीजिए, अगर आपको ज्यादा प्रेशर लग रहा है मींस ये अभी कच्ची है, और इजीली अगर एक कट हो जाती है तो इसका मतलब ये पक चुकी है। देखिए इस समय इस स्टेज पे बहुत ही ज्यादा ये सॉफ्ट हो चुकी है और इजीली करछी से कट भी रही है ये देखिए। और जब ये इस स्टेज पे आ जाए, इस तरह से पकने लगे, तब आप अपनी गैस को फुल करके आप इसे अच्छे से पका सकते हो। जो भी थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पानी रह गया है वो इसमें अच्छे से जो है वो जल जाएगा, पानी जो है उसका वो खत्म हो जाएगा और हमारी जो तोरी है वो बनके तैयार हो जाएगी। और मैं ऊपर से हल्का सा ये मैंने अमचूर का पाउडर यूज किया है, आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, पर हल्का सा इसमें टैंगी सा खट्टा सा टेस्ट डालने के लिए मैंने इसमें अमचूर पाउडर यूज किया है। और आमचूर पाउडर डालने के बाद इसे मिक्स करने के बाद मैं इसे अच्छे से पका लूंगी और पकाने के बाद ये फिर रेडी हो जाएगी सर्व करने के लिए। प्लेट में निकाल के ये देखिए कुछ इस तरह से ये आपको दिखेगी, ना इसमें बिल्कुल पानी है और ना ये बहुत ही ज्यादा सूखी सूखी है, ये बिल्कुल एक अच्छी सी कंसिस्टेंसी की है जिसे आप पूरी के साथ, परांठे के साथ, रोटी के साथ खा सकते हैं। इसके अलावा दाल चावल के साथ एज अ साइडर भी आप यूज करके इसे खा सकते हैं। ये देखिए मेरी बन के तैयार हो गई है तोरई, और ये देखिए गैस फुल करके मैं इसका थोड़ा बहुत जो उसमें पानी मुझे को लग रहा है एक्स्ट्रा उसे मैं पका रही हूँ। कुछ मिनट इस तरह पकाने के बाद ये देखिए तोरई मेरी बिल्कुल बनके तैयार हो गई है। बहुत ही ज्यादा इसका प्यारा सा एक जो कलर है वो आया था, टेक्सचर बहुत प्यारा आया था, टेस्ट में तो अच्छी थी ही। ये देखिए बिल्कुल अचार वाला बिल्कुल इसका लुक आ रहा है, इसे आप अचारी तोरई भी कह सकते हैं, भरवा तोरई कह सकते हैं। और आप इसे सर्व कीजिए दही के साथ, रायते के साथ, पूरी पराठे के साथ आप इसे खाइए, रोटी के साथ खाइए, दाल चावल के साथ आप इसे खाइए, बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगती है, बच्चे बड़े सबको जरूर पसंद आएगी। एक बार ट्राई करना, पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दो, कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके जरूर जरूर बताओ कैसी लगी आपको ये रेसिपी। साथ ही सब्सक्राइब भी कर लीजिए मेरे चैनल को, बेल आइकन को भी दबाना बिल्कुल भी मत भूलना, ताकि मेरे वीडियोस के आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। और रेसिपी बाकी की जो मेरे चैनल पे है वो भी जरूर ट्राई करके देखना। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ, मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, बाय बाय।